कोलकाता में थे हम लोग तो कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी, मतलब है बोल रहे हैं तो है थोड़ा बहुत राशन लेने जा रहे। तो मम्मी ने सोचा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों से शेयर करें। तो ये रेसिपी है चिकन चेट्टीनाड। साउथ इंडियन एक बहुत ही फेमस डिश है ये, और एकदम इजी और सिंपल तरीके से बनाऊंगी। हेलो गाइस, सो गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। वेलकम। और हम लोगों ने जो गिफ्ट्स लाए थे आप लोगों ने देखे कि मम्मी के फ्रेंड्स और मम्मी के बच्चों के लिए जो हमने कोलकाता से गिफ्ट लाए हैं वो हम लोग जा रहे हैं देने उनको, और तो, उनका रिएक्शन देखने बच्चे लोग और हाँ बच्चे लोग को खुशी दिखाने। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत क्यूट क्यूट शूज लाए हम लोगों ने और बच्चे वेट कर रहे हैं आप आके गिफ्ट दे आंटी। तो सुबह से आज वो लोग वेट कर रहे हैं, तो चलो उनका और वेट नहीं बढ़ाते हैं, चलो उनको गिफ्ट देते हैं और उनका रिएक्शन दिखाते हैं। चलो। और जाने से पहले मम्मी का एक बार गार्डन आप लोग देख लो, ये बेस्ट टाइम होता है जब सारे फ्लावर्स आ जाते हैं और सारे गुलाब, सारे हमारा गार्डन सबसे अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और सारे फ्लावर्स आ चुके हैं और गार्डन एकदम भर चुका है, ये हेवन से कम नहीं लग रहा है। ये देखो, सो गाइस ये देखो इतने सारे गिफ्ट्स लेके मम्मी जा रही हैं और सबका हैप्पीनेस देखेंगे हम लोग कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं। और ये देखो इंतजार कर रहे हैं, 3-4 बैग लेके हम लोग जा रहे हैं। अभी तो खोल के ऐसा बॉडी में लगा के दिखाते हैं ना, कुत्ते आगे ना है देखी ना क्या लग रही पतला मनुष्य ना एकदम मस्त लग रही पापे शाही हो। डाल के बता दो बाबू, डाल तो सिंड्रेला का जूता। हाँ परफेक्ट है, वाओ। दोनों पहनो। मैडी जी मेहनत कर करके चूस किया, नींद से उठा बोल के दिखा, वाओ इट्स सो क्यूट। और दिखाओ, वाओ पहन के दिखाओ। पसंद है? बजा ना। बहुत अच्छा है। और ये पूरी गई थी मैं जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ जी की। ये देखो इसमें प्रसाद है, धागा है, हाँ। और ये संदेश, इस बार रसगुल्ला नहीं था, संदेश। सब बच्चे नींद से उठे, हाँ उठा उठा के जूता दे रहे न, तुम पहनो अच्छे नहीं, पहनो पहले पहनो पहले तो अच्छे नहीं बोलते बेबू, पहले पहनते हैं। अब इतने दूर में रहते क्या करेंगे, कुछ पिएंगे नहीं, बस दूध पानी में नहीं, जल्दी आओ। थैंक यू। और इसमें है प्रसाद, जगन्नाथ की मूर्ति, एक फोटो है, बस बहुत। ये है कोलकाता की संदेश, अच्छा। और ये है मूर्ति, वो खुल गया, निकल गया वो, और ये निकल प्रसाद, और ये धागा। पहले पहन के बताओ जी, क्या बोला आप, तो यही पहन, अभी जूता लेके सोओगे क्या रात को? एक बार पहन के बताओ फिर हमको तसल्ली हो जाएगा। यही लेके सोएगा, नहीं सो जाएगा। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं उनके घर से गिफ्ट वगैरह देके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट घर का कुछ राशन लाने, क्योंकि कोलकाता में थे हम लोग तो कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी, मतलब है बोल रहे हैं तो है थोड़ा बहुत राशन लेने जा रहे। तो गाइस ये देखो एज यूजुअल हम लोग शॉपिंग पे टूट पड़े हैं। तो गाइस ये देखो हमने महीने का राशन ले लिया है और भी बहुत कुछ सामान एक्स्ट्रा भी लेते रहते हैं हम लोग। ये देखो जितना हो गया है ट्रॉली, जो कि हर बार का है हम लोगों का, ये देखो फुल ट्रॉली ले लिया है हम लोगों ने।
अभी जस्ट डीमार्ट से निकलने ही वाले हैं। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग डीमार्ट से आए हैं और मेरे शूट के लिए मैंने मम्मी को बोला कि एक रेसिपी चाहिए यूनिक जो मम्मी ने पहले कभी चैनल पे बनाया नहीं, तो मेरे लिए भी मम्मी बनाएगी और बहुत दिन बाद मम्मी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर करेगी। बहुत दिन हो गए मम्मी को रेसिपी शेयर करते हुए आप लोगों से, तो मम्मी ने सोचा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों से शेयर करें। तो ये रेसिपी है चिकन चेट्टीनाड। साउथ इंडियन एक बहुत ही फेमस डिश है ये और एकदम इजी और सिंपल तरीके से बनाऊंगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, लेमन जूस डालेंगे, एक लेमन के जूस डाल देंगे। चिकन के मैंने सारे पीसेस ले लिया, ड्रम स्टिक और बाकी सारे पीस भी, और मैं डाल दूंगी एक चम्मच भर के नमक। ये है मामी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार, बहुत दिन बाद बोला। और एक चम्मच भर के हल्दी पाउडर। फिर हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ नहीं डालना है, लेमन जूस और नमक और हल्दी से ही एकदम सिंपल मैरिनेट करेंगे। तो एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं ढक के कम से कम 10 मिनट रखूंगी। तो चेट्टीनाड के लिए मसाला बना लेंगे। जीरा ले लिया हाफ चम्मच, हाफ चम्मच धनिया, हाफ चम्मच ब्लैक पेपर, 5-6 लौंग, 1 जय पत्री, 5-6 लाल मिर्ची, 5 ग्रीन इलायची, 2 ब्लैक इलायची, थोड़ा सा पत्थर का फूल, 1 स्टार अनिस, तेज पत्ता 1 और 2 टुकड़ा दालचीनी के। और लहसुन ले लिया मैंने 20 कली तक लहसुन ले लिया, हाफ कोकोनट को अच्छे से ग्रेट कर लिया, और 4 ग्रीन चिली ले लिया और 1 इंच के अदरक ले लिया, और साथ में चाहिए ये इमली। सबसे पहले 1 चम्मच तक ऑयल डालेंगे, मैं ये पीनट ऑयल यूज कर रही हूँ पर ये सेसमी ऑयल से बनता है, आप लोग सेसमी ऑयल यूज करना। तो ऑयल को हल्का गर्म होने दूंगी, ऑयल हल्का सा गर्म होते ही मैं डाल दूंगी ये सारा खड़ा मसाला, इनको पहले अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये सारा मसाला हल्का सा भुनने लगेगा, हल्का सा स्मेल निकलने लगेगा, तब मैं डाल दूंगी ये कोकोनट और ये लहसुन, मिक्स करके इन सबको भी हल्का सा भून लेंगे। भून चुका है अच्छे से, एकदम मस्त एक खुशबू भी निकल गया सारे मसाले की और साथ में कोकोनट की भी। तो ये मैं गैस बंद करूंगी और थाली में निकाल लूंगी और ठंडा होने दूंगी मसाले को। थाली में निकालने के बाद मसाला ठंडा हो गया, ठंडा करना जरूरी है, ठंडा करके फिर हम पीस लेंगे। इसके साथ इमली और ग्रीन चिली भी मिक्स करूंगी, दूंगी अदरक और 4 ग्रीन चिली और इमली। अब मैं डालूंगी इसमें 3-4 चम्मच तक पानी। तो मसाला पीस के एकदम रेडी हो चुका है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। और पैन में मैंने सेम ऑयल डाल दिया, पीनट ऑयल, आप लोग सेसमी ऑयल यूज करना। 2 चम्मच ऑयल डाल दिया मैंने, अभी मैं डाल दूंगी 1 बड़े साइज के ऑनियन को एकदम बारीक चॉप करके। तो 3-4 मिनट तक ऑनियन को अच्छे से भुनने दिया फुल फ्लेम पे, और ऑनियन हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया। अब मैं डाल दूंगी करी पत्ता, एकदम फ्रेश मेरे गार्डन से लाई हूँ, और मिक्स कर दूंगी और 1 मिनट तक करी पत्ता को भी अच्छे से भूनने दूंगी। तो ऑनियन और करी पत्ता अच्छे से भून भी गया और सॉफ्ट भी हो गया। अब मैं डाल दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन को। तो अभी चिकन को मिक्स करके पहले अच्छे से भून लूंगी फुल फ्लेम पे। तो चिकन को फुल फ्लेम में अच्छे से भून लिया मैंने 4-5 मिनट तक। अब मैं डाल दूंगी इसमें मसाला। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मसाला भी मिक्स करके हल्का सा भून लिया, पहले से मसाला रोस्टेड था फिर भी हल्का सा भून लिया। अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, चिकन भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा इतना तक मैं पानी डालूंगी 1 लीटर तक। ये मसाला इसमें लगा हुआ था सब धो के पानी डाल दूंगी। और मिक्स करूंगी, पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, अभी अच्छे से बॉयल होने देंगे। और अब मैं डाल दूंगी नमक,
चिकन में पहले से मैरिनेटेड था नमक से, तो ग्रेवी के लिए मैं अभी नमक डाल दूंगी एक चम्मच भर के और मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अभी मैं ढक के पकाऊंगी जब तक चिकन अच्छे से बॉईल ना हो जाए। तो अभी चेक करूंगी, चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है और मैं इसको 8-9 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाया। अब मैं डाल दूंगी इसमें फ्रेश कोरिएंडर। तो फुल फ्लेम पे 2 मिनट पकाने के बाद मैं गैस बंद करूंगी और ये चिटनर चिकन करी को प्लेटिंग करूंगी। तो प्लेटिंग कर लिया केले के पत्ते में और गार्निशिंग कर दिया धनिया पत्ता और लेमन और व्हाइट कलर का ऑनियन से। तो इतना सिंपल और इजी रेसिपी देखिए, आप लोग बनाओ जरूर, कमेंट में मुझे बताना। इतने झटपट भी बन जाता है और बहुत टेस्टी, एकदम चिकन के अंदर तक टेस्ट जाता है, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा खटास का। तो फिर आप लोग कमेंट करो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, ये भी मुझे बताओ। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।